आज की हमारी इस वीडियो में दो चीजों का खुलासा होने वाला है। ज्यादा ना पका के चलिए वीडियो की तरफ। 14th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऑफिस में वो लेडी आती है। दो ही पूछता है कौन है वो और वो किसे ढूंढ रहा है। लेडी कहती है वो दलियांग का मॉम है, जो सुन के मायम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे याद आ जाता है कि दलियांग ने उसके मॉम के बारे में क्या क्या बताया था। और वो लेडी आके ही बोलने लगती है, यहाँ का डेकोरेशन बहुत ज्यादा चीप है। क्या नाम था इस कंपनी का? हाँ, नियॉन। फिर वहाँ पे चोई आता है तो वो कहने लगती है ये हैंडसम सा बंदा कौन है। मायम कहती है ये डेप्यूटी एडिटर है। वो कहती है फिर तो आपका पोजीशन बहुत हाई है। फिर उन्हें साइड में एक कमरे में बैठाया जाता है। मायम खुद को इंट्रोड्यूस करती है। फिर लेडी भी अपना नाम बताती है, ग्योनिंग्या। वो कहती है वो यहाँ पे दलियांग को ढूंढने आया है। वैसे वो कहाँ पे रहता है? मायम कहती है सॉरी, पर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हम आपको नहीं दे सकते। ग्योनिंग्या कहते हैं पर्सनल मतलब क्या, मैं उसका मॉम हूँ। फिर भी मायम मना करने लगती है कि वो नहीं बता सकती। जो बात सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। चोई उसे शांत कराने का कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। फिर चोई अकेले में उससे पूछता है वो क्यों बताना नहीं चाहता है उसे, क्या इस बारे में उसे कुछ पता है? मैम कहती है नहीं तो ऐसे ही। इधर चोई और चियाल आए थे मिस्टर ना के पास उनके डिसीशन के बारे में सुनने के लिए। मिस्टर ना कहते हैं उसने इस बारे में बहुत सोचा है। फिर वो बहुत घुमा फिरा के बात करने लग जाता है। चोई कहता है अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा तरीके से बता दीजिए। मिस्टर ना कहते हैं लेकिन मैं तो ये काम करना चाहती हूँ, जो सुन के ऑफ कोर्स दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सबसे ज्यादा तो चियाल। फिर ये खुशखबरी वो टीम को आके बताता है। फिर चियाल सबको अपने अपने आर्टिस्ट को संभाल के रखने के लिए कहता है। रात को मायम दलियांग से मिलने के लिए आती है। मायम कहती है दलियांग ये काम करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है जिस वजह से वो उसका खबर लेने आया है। दलियांग कहता है वो अभी कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, उसका सर पूरा सुन पड़ रहा है। मायम कहती है कोई बात नहीं, तुम खुद को और थोड़ा टाइम दो, वैसे भी ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। फिर वो कहती है ठीक है चलो हम बात करते हैं, कहाँ तुम्हारा परेशानी हो रहा है। फिर मायम बात करने के बाद ऑफिस में लौटती है। चोई पूछता है क्या तुम्हें उसका प्रॉब्लम पता चला, क्या ये इससे तो रिलेटेड नहीं है ना कि उसका मॉम वापस आई है? लेकिन इतना भी पर्सनल होना हमारे लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि दलियांग के लिए क्या सही होने वाला है। फिर दूसरे दिन मायम मिस्टर बेग से बात करने आती है। वो पूछती है फर्स्ट स्टेशन के बारे में उनका क्या मानना है, दलियांग को इस एडवाइस का बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस्टर बेग कहते हैं ये बहुत ज्यादा सीरियस है। मैम कहती है क्या सच में? लेकिन जब मैंने दूसरे आर्टिस्ट से पूछा था उन्होंने तो कहा था ये कॉमन है आर्टिस्ट के बीच में। मिस्टर बेग कहते हैं ये प्रॉब्लम है दलियांग के लिए क्योंकि दलियांग हम सबसे बहुत ज्यादा अलग है, उसका इंस्पिरेशन वापस लाना पड़ेगा तो शायद वो कुछ कर सकता है। फिर मायम उन्हें उनका हेल्थ का ख्याल रखने बोलती है। मिस्टर बेग कहते हैं अब शायद वो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जंगयान आया था पोमी के घर में। जंगयान कहता है तुम सब एक साथ काम कर रहे हो तो इस बार शायद तुम्हारा काम सही से हो जाएगा। पोमी कहती है मैंने इससे पहले तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। जंगयान कहता है नहीं मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। वो कहती है अच्छा। पोमी फिर कहती है अगर मैं कुछ देर ऐसे ही बात करती रहूँ ना तो मैं तुम्हारा सारे सीक्रेट जान जाऊंगा। जंगयान पूछता है मतलब? पोमी कहती है मैं ये समझ लूंगा कि तुम किसी को पसंद करते हो, क्या तुमने उसे बताया? मुझे तो लगता है तुम्हें उससे जल्दी से बता देना चाहिए। इधर मायम बैठे बैठे बोर हो गया था तो वो थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती है। तभी जंगयान आता है। वो पूछता है क्या कर रहे हो तुम? मायम कहती है कभी कभी काम करते करते ना मेरा दिमाग सुन हो जाता है और अगर मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ तो दिमाग फिर से चलने लग जाता है। और मायम को देख के जंगयान को वही बात याद आ जाता है कन्फेशन वाला, तो वो ब्लश करने लग जाता है। मायम कहती है तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? जंगयान कहता है नहीं तो कहाँ, और वो बात को घुमाने लग जाता है। सुबह मायम दलियांग को कॉल करके बोलती है वो उसके घर में किसी को ला रही है और वहाँ पे वो दुंगही को लाती है जिसे देख के दलियांग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। दुंगही कहता है उसे लगा शायद उसे असिस्टेंट का जरूरत है। वो कहता है वो पीवी वेपन कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बेताब है और यहाँ पे आने के लिए मायम उनको थैंक यू बोलती है। इधर मायम का बहन घर में कुछ एडिटिंग कर रहा था तभी उसे जोर से टॉयलेट लगती है लेकिन वो एडिटिंग में इतना खो गई थी कि बाथरूम जाने में लेट कर देती है जिसके बाद उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो वो फिर दौड़ती है टॉयलेट की तरफ। तभी घर में मायम आती है।
और वो एडिटिंग वाला वीडियो का साउंड सुन के कमरे में जाती है। वो देखती है उसी लड़की का वीडियो चल रहा है जो आर्टिस्ट के बारे में बुरा भला कहती है। पीछे से उसकी बहन आके कहती है, उन्नी क्या कर रहे हो तुम? मैम कहती है ये काम तेरा है। और फिर तो तू रुक इधर, आज तो तेरी खैर नहीं। तभी आर्टिस्ट दुंग ही उसे कॉल करता है तो उसकी बहन उसके हाथ से बच निकलती है। फिर वो जाती है दुंग ही से मिलने। वो कहता है वो शायद डलियांग का प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। मैम कहती है क्या कुछ प्रॉब्लम है? दुंग ही कहता है डलियांग का अभी ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उसकी फिजिकल कंडीशन में है क्योंकि उसके पास कोई आइडिया ही नहीं है। फिर मायम घर वापस आते हुए डलियांग के बारे में ही सोचने लगती है। और इधर दिखाया जाता है डलियांग रूफ टॉप पे खड़ा था। फिर सुबह वो डलियांग से मिलने जाती है। मायम कहती है तुम पास्ट के बारे में सोच के अभी काम नहीं कर पा रहे हो। डलियांग कहता है वो उस इंसान से पूछना चाहता है कि क्यों उसने उसके साथ ऐसा किया। मायम कहती है क्या तुम एक बार भी अपने मॉम से मिलना चाहते हो? डलियांग कहता है बिल्कुल नहीं, उनके बारे में सोचना भी डरावना है। तभी दरवाजे पे कोई आता है, गेट खोल के देखती है वो तो उसका मॉम है। पहले तो वो उसे पहचानता नहीं है, फिर उसका मॉम उसे गले से लगा के बोलती है वो उसका मॉम है। जिस बात से डर के वो अपने मॉम को धक्का दे के फेंक देता है। मायम से बोलता है क्या तुमने इन्हें बुलाया है? मायम कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, और दोनों को बाहर भेज के दरवाजा बंद कर देता है। फिर उसका मॉम फूट फूट के रोने लगती है। फिर मायम उन्हें एक रेस्टोरेंट पे लेके आती है। मायम पूछती है आपको इस जगह के बारे में पता कैसे चला? लेडी कहती है उसने मायम का पीछा किया था और इसी बारे में सोच सोच के मायम का हालत बुरा हो जा रहा था, और इसी बात को वो जंगयान से भी शेयर करती है तो जंगयान उसे चेयर अप करता है। मायम फिर डलियांग से आके कहती है डेडलाइन आने ही वाला है। डलियांग फिर सॉरी कहता है क्योंकि उसके पास स्टोरी लिखने के लिए कोई आइडिया ही नहीं है। मायम कहती है उसने तो कहा था कि वो अपनी मॉम से पूछना चाहता है कि उसने उसे छोड़ दिया। फिर मायम उसे समझाती है कि वो अभी बच्चा नहीं है और वो भी उसके साथ जाएगी। फिर वो दोनों जाते हैं डलियांग के मॉम से मिलने। उसकी मॉम के आने से ही डलियांग उठ के जा रहा था। मैम कहती है आप उसे मत छुए। लेडी कहती है क्यों, वो तो मेरा बेटा है। डलियांग कहता है क्योंकि आपने मुझे डॉग की तरह ट्रीट किया था। मॉम कहती है क्या तुम्हें ये बात याद है? मॉम कहती है लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। डलियांग कहता है ये सब कह के अब कुछ नहीं फायदा होने वाला है क्योंकि अब कुछ नहीं बदलने वाला। और उसकी मॉम रोने लग जाती है। डलियांग पूछता है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर उसकी मॉम बोलने लगती है उनके फैमिली में और कोई नहीं था जिस वजह से उसे बांध के जाना पड़ता था। उसे पता था कि डलियांग यह सब पसंद नहीं करता है लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। डलियांग कहता है तो क्या अब अभी मुझसे पैसे लेने के लिए वापस आई है? और ये सब बातें उसकी मॉम को बहुत ज्यादा हर्ट करता है तो वो वहां से उठ के चली जाती है। मायम भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी चोई का कॉल आता है। बात करते हुए वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ऑफिस में दिखाया जाता है डलियांग के बारे में एक आर्टिकल निकला है। कुछ ही दिन पहले उसका झगड़ा हुआ था एक आदमी से। उस आदमी ने उसे बहुत पीटा था उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर बनाने की वजह से, और वही आदमी बहुत गंदे गंदे तरीके से आर्टिकल लिखा था जिसका इम्पैक्ट डलियांग के करियर पे पड़ने वाला था। फिर मायम ऑफिस में आते ही सभी पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ था उस दिन और उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, क्या वो ये सब कवर अप कर सकता है। जंगयान उसके साइड लेके कहता है वो भी उसके साथ उस दिन था। तो मिस्टर नोन उन दोनों को डांटने लग जाते हैं और इस आर्टिकल का खबर जीवान के पास भी चला गया था जिस वजह से वो मायम को कॉल करके बहुत डांटने लग जाता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि डलियांग का रिपोर्ट है पुलिस स्टेशन में। और इस तरफ वो बंदा आर्टिकल लिखे ही जा रहा था कि उसने जानबूझ के उसके गर्लफ्रेंड को छुआ था, और इसी आर्टिकल का खबर तो हवा के जैसे फैल रहा था जिस वजह से पीवीओएपीएन कॉमिक का रेटिंग भी बहुत गिर जाता है। इधर मायम और जंगयान आता है उसी मार्केट में जहाँ पे लड़ाई हुआ था कुछ सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के लिए। तभी मायम के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से, उसे कहा जाता है कि डलियांग का मॉम का एक्सीडेंट हुआ है। जंगयान कहता है वो यहाँ पे संभाल लेगा, उसे अभी वहाँ पे जाके देखना चाहिए। हॉस्पिटल पे आके मायम देखती है उसका मॉम लड़ाई कर रही है। उसी वक्त उसके पास से उसे एक डायरी मिलता है जिस डायरी पे लिखा था उसका मॉम डिमेंशिया का पेशेंट है। फिर मायम उन्हें घर पहुँचा के डलियांग से मिलने आती है। डलियांग इस सब के लिए उसके पास माफी मांगता है। दोनों ही बताता है डलियांग ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो मायम उसे चिंता करने के लिए मना करती है और उसे उसका मॉम के बारे में बताने लगती है। इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है डलियांग के मॉम ने मायम से कहा था उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है
और वो दलियांग को बहुत ज्यादा मिस करती है। इस तरफ दिखाया जाता है जंगयान अभी भी सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के लिए सड़कों में घूम रहा है और ये सब आर्टिकल मायम की बहन भी देखती है। सुबह नियॉन कंपनी में एक मीटिंग होता है जहाँ जियाल कहता है इस सब के लिए उन्हें कोई लीगल स्टेप लेना चाहिए, कोई भी ऐसे कैसे आर्टिस्ट के बारे में ये सब आर्टिकल छाप सकता है। गुआनियांग कहता है इस सब का क्या फायदा, सबसे अच्छा तो ये ही है कि उस आर्टिस्ट को ही फायर कर दिया जाए, इन सब झमेले में कंपनी अपना नाम क्यों खराब करेगा। और ये सब बात सुन के चियाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डायरेक्टर मैम कहती है लेकिन ये तो सच है कि दलियांग इस सब में इन्वॉल्व है। फिर जंगयान आके कहता है उसे कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला। इधर घर में मायम की बहन लाइव कर रही थी, उसका यूट्यूब चैनल का नाम था वेबटून विच और ये उसका फर्स्ट टाइम लाइव था और वो अपनी फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट करती है कि 16 अगस्त दोपहर को फिजिकल असॉल्ट की केस में नियॉन कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल निकला है, तो इसी बारे में किसी के पास अगर कुछ फोटो या वीडियो हो तो वो सब आप नियॉन कंपनी की वेब पेज में डाल दीजिए। और ये वाला लाइव सेशन जंगयान और मायम भी देख रहा था। जंगयान पूछता है वेबटून विच हमारा इतना मदद क्यों कर रहा है। मायम कहती है एक सीक्रेट बताओ, ये मेरा बहन है। और जंगयान देखता है इस लाइव सेशन की वजह से बहुत लोगों ने मैसेजेस कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। इधर दलियांग का मॉम उसके लिए खाना देके जाता था छुपके छुपके। इधर रात में कंपनी में सभी लोग पूरा रात जाग के काम करते हैं। सुबह मायम उठ के नियॉन कंपनी का कमेंट बॉक्स चेक करने लगता है, तभी मायम देखती है किसी ने उस लड़ाई का वीडियो और फोटोज पोस्ट किया है, जो देख के वो पागलों की तरह उछलने लग जाती है, जिससे तो साफ हो गया था कि दलियांग का इस सब में कोई हाथ नहीं है। फिर वो दोनों आके उस बंदे को पकड़ता है। वो दोनों पूछते हैं उसने ऐसा क्यों किया। वो बंदा कहता है ये सब करने के लिए उसे किसी ने कहा था, जो ऑफ कोर्स गुआनियांग के अलावा कौन हो सकता है भला। इधर दलियांग का मॉम जब खाना देने आई थी तो दलियांग उसे देख लेता है, जिसके बाद वो खाना को लेके फेंक देता है। तभी वहाँ पे मायम भी आ जाती है। मायम कहती है वो उसके मम्मी के बारे में कुछ बताना चाहती है कि उसके मॉम ने उसके साथ इतना दिन कॉन्टेक्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे मॉम को अल्जाइमर है और उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। फिर बताता है उसके मॉम जब उसे घर में छोड़ के जाता था उसी तरह एक दिन घर में आग लग गया था और दलियांग की वजह से ही आग लगा था और उसे बचाने के चक्कर में उसके मॉम के हाथ में चोट लग गया था और उसी दिन से जब भी वो बाहर जाती थी दलियांग को चेन से बांध के जाता था और किचन की तरफ जाने के लिए मना करती थी। दलियांग तो ये सब विश्वास ही नहीं कर पाता है और कहता है वो उसके मॉम से बात करना चाहता है। फिर मायम उन्हें कॉल लगाती है जिससे पता चलता है वो तो शहर छोड़ के जा रही है, तो वो दोनों दौड़ते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वहाँ पे जाके उन दोनों को लगता है कि उसके मॉम निकल गया है, तो दलियांग बहुत रोने लग जाता है। फिर पीछे से उसकी मॉम आती है, फिर वो कहती है वो नहीं जा सकी और दलियांग उसके मॉम का हाथों का चोट देख के सब कुछ सच सच समझ जाता है। इस तरफ मोरेल में मायम कहती है सभी फैमिली के लिए उनके बच्चे सबसे बढ़कर होते हैं, बच्चों को भी कभी उन्हें समझना चाहिए। और यहीं पे ही इस ड्रामा का 14 एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।